हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चिली चटपटी किचन। आज हम बनाएंगे शाही पनीर की रेसिपी, सो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ ली है एक कढ़ाई, जिसमें मैंने तेल को गरम कर लिया है और जीरा ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दी है मोटी इलायची और तेज पत्ता। जीरा भुनने के बाद मैंने यहाँ प्याज की प्यूरी ऐड कर दी है। प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है और अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। पेस्ट को मिलाने के बाद मैंने इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड कर दी है। साथ ही अब मैं ऐड कर दूंगी इसमें सभी मसाले, देगी मिर्च, धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। इन्हें अच्छे से सॉटे करना है। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी दही। दही से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा बन जाएगा। दही मैंने इसमें अच्छे से मिला दी है और अब साथ ही मैंने इसमें केचप ऐड कर दी है। केचप एकदम ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्रीम। क्रीम से इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी हो जाएगा। क्रीम ऐड करने के बाद मैं इसमें मिला रही हूँ थोड़ा सा दूध। सो दूध ऐड करने के बाद मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दी है। सो फ्रेंड्स, इसमें लास्ट स्टेप जो है वो है मलाई। मैंने इसमें मलाई इसलिए ऐड की है क्योंकि ये शाही पनीर है और इसमें शाही चीज़ें ही मैंने सारी ऐड की हैं। सो फ्रेंड्स, इसकी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अब इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं पनीर के कट किए हुए पीसेस। सो देखा आपने कितनी जल्दी शाही पनीर बनकर रेडी हो चुका है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए देखते रहिए चिली चटपटी किचन।